अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओ क्लॉक। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी बल्कन वॉर्स पे, बल्कन वॉर 1912 और बल्कन वॉर 1913 पे मैं बात करूँगी। पहले बात करते हैं फर्स्ट बल्कन वॉर 1912। ये है बल्कन स्टेट्स जो मिलके बनाती हैं बल्कन पेनिनसुला, यानी रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोटिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो, मैक्सीडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और ग्रीस मिलके बनाती हैं बल्कन पेनिनसुला। लेकिन इन में से चार स्टेट्स ऐसी हैं जो बनाती हैं बल्कन लीग और अटैक कर देती हैं ऑटोमन एम्पायर पे। वो चार स्टेट्स हैं सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टीनिग्रो, बुल्गारिया। ये चार स्टेट्स मिलके बनाती हैं बल्कन लीग और अटैक कर देती हैं ऑटोमन एम्पायर पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये चार स्टेट्स मिलके बल्कन लीग क्यों बनाती हैं और ऊपर से ऑटोमन एम्पायर पे भी अटैक कर देती हैं क्यों? यानी इन शॉर्ट मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट बल्कन वॉर के कॉज पे कि क्या कॉज है, आखिर क्या वजह है कि चार स्टेट्स बल्कन लीग बना लेती हैं और ऑटोमन एम्पायर पे अटैक कर देती हैं। उस दौर में नेशनलिज्म का फैक्टर बहुत हाई जा रहा था। नेशनलिज्म यानी अपनी कौम परस्ती करना, अपनी कौम के मफाद के लिए काम करना, अपनी कौम को सपोर्ट करना, इन शॉर्ट तो उस दौर में नेशनलिज्म काफ़ी हाई जा रहा था। तो इनमें भी वो जज्बात थे कि हमारे एथनिक ग्रुप्स जो ऑटोमन रूल के अंडर आते हैं, हम उनको क्यों ना अपने साथ मिला लें, कुछ मज़ीद एक्सटेंट हो जाए, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लें और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी नज़रिए को लेके चार स्टेट्स बल्कन लीग बना लेती हैं और ऑटोमन एम्पायर पे अटैक कर देती हैं और यूं फर्स्ट बल्कन वॉर छिड़ जाती है। पहले अटैक करता है मॉन्टीनिग्रो 8 अक्टूबर 1912 को। बाकी जो स्टेट्स हैं वो दस दिन बाद मॉन्टीनिग्रो को ज्वाइन करती हैं और ऑटोमन एम्पायर पे अटैक कर देती हैं। ये चार स्टेट्स अपने मकसद में तो कामयाब हो जाती हैं, ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो जाती है और आखिर में साइन होती है ट्रीटी ऑफ लंदन 1913, जिसके तहत फर्स्ट बल्कन वॉर को रिजॉल्व करवाया जाता है, उसे सेटल करवाया जाता है और इनको अपनी डिजायर्ड टेरिटरीज मिल तो जाती हैं। लेकिन ये लोग खुश नहीं होते, इनके आपस में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, कशीदगी शुरू हो जाती है और यही झगड़े, यही कशीदगी वजह बनती है सेकंड बल्कन वॉर के होने की। अगर हम बात करें सर्बिया की तो सर्बिया को चाहिए होता है अल्बानिया, क्योंकि अल्बानिया के जरिए उसे सीई रूट मिल रहा था, लेकिन वो ऑस्ट्रिया की करम नवाजी की वजह से नहीं मिलता। क्यों आखिर ऑस्ट्रिया क्यों नहीं चाहता कि सर्बिया को सी रूट मिल जाए? ऑस्ट्रिया इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सर्बिया के एथनिक ग्रुप्स कुछ ऑस्ट्रिया के रूल के अंदर भी आते थे। अगर सर्बिया कामयाब हो जाता है तो वो कल को ऑस्ट्रिया को भी चैलेंज करेगा कि भाई आपके रूल के अंदर मेरे एथनिक ग्रुप्स हैं, उन्हें आज़ाद कर दीजिए। यानी कि वो सर्बिया यानी कि वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर देंगे अपने एथनिक ग्रुप्स को जो ऑस्ट्रिया के रूल के अंदर आते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रिया ने नहीं चाहा कि सर्बिया कामयाब हो जाए। अगर वो कामयाब हो जाता तो कल को वो ऑस्ट्रिया को भी चैलेंज कर देगा। तो इसलिए ऑस्ट्रिया ने कहा कि नहीं, सर्बिया को सी रूट ना मिले, वो जैसा है वैसा ही रहे तो बेहतर है। बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया को चाहिए होता है मैक्सीडोनिया, लेकिन वो मिल जाता है सर्बिया को। अगर हम बात करें रोमानिया की तो रोमानिया को बुल्गारिया से कुछ टेरिटरीज चाहिए होती हैं, लेकिन बुल्गारिया मना कर देता है कि नहीं भाई हम नहीं दे रहे। तो यही छोटी छोटी वजूहात होती हैं जो बड़ी वजह बनते हैं सेकंड बल्कन वॉर के होने की। अब बात करते हैं सेकंड बल्कन वॉर 1913 पे। बुल्गारिया जो बिल्कुल खुश नहीं होता इस सारी अरेंजमेंट से, उसे चाहिए होता है मैक्सीडोनिया जो चला जाता है सर्बिया के पास और वो सर्बिया पे अटैक कर देता है। बुल्गारिया सिर्फ सर्बिया पे अटैक ही नहीं करता, वो एक साथ ग्रीस पे भी अटैक कर देता है। यानी वो सर्बिया पे भी अटैक करता है और ग्रीस पे भी अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ग्रीस से भी कुछ टेरिटरीज चाहिए होती हैं। रोमानिया जिसको बुल्गारिया से कुछ टेरिटरीज चाहिए होती हैं, तीसरी साइड से रोमानिया बुल्गारिया पे अटैक कर देता है। बुल्गारिया को सपोर्ट करता है ऑस्ट्रिया, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रिया क्यों नहीं चाहता कि सर्बिया कामयाब हो जाए, और सर्बिया को सपोर्ट करता है रशिया। अब बुल्गारिया की अगर हम बात करें जो जिसने दो साइड पे यानी दो स्टेट पे अटैक कर दिया है, लेकिन तीसरी साइड से रोमानिया ने उस पर अटैक कर दिया है, तो बुल्गारिया जाहिर है एक स्टेट
मतलब तीन साइड से नहीं लड़ सकती, तो ऑब्वियसली बुल्गारिया को शिकस्त हो जाती है और रोमानिया, सर्बिया और ग्रीस जीत जाते हैं। इसी मौके से फायदा उठाता है टर्की, टर्की इसी आस में फायदा उठाता है कि चलो ये आपस में लड़ रहे हैं, अगर इसी जंग में हम अपनी खोई हुई टेरिटरीज हासिल कर सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करते हैं हासिल करने की। और टर्की इस कोशिश में कामयाब हो भी जाता है क्योंकि उसका एड्रियानोपल उसे वापस मिल जाता है। अब सेकंड बल्कन वॉर के आखिर में साइन होती है ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट, जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाया जाता है। अब देखते हैं कि किसको क्या टेरिटरी मिलती है। बुल्गारिया की अगर हम बात करें तो बुल्गारिया को स्मॉल पार्ट ऑफ मैक्सीडोनिया मिलता है। सर्बिया की अगर हम बात करें तो सर्बिया को नॉर्दर्न और सेंट्रल मैक्सीडोनिया मिल जाता है। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस को साउदर्न मैक्सीडोनिया मिल जाता है। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया को साउदर्न दोब्रुजा मिल जाता है। होप सो मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, बहरहाल इसको उसको मिल जाता है। तो ये सारी अरेंजमेंट्स हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।